नमस्ते एंड हेलो सभी को। मैं डॉक्टर रिचा आज आपसे बात करने वाली हूँ पीसीओएस रिलेटेड इनफर्टिलिटी और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आप स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, यस डॉक्टर, परफेक्टली फाइन। तो सबसे पहले पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से अधिक। सिस्टिक मतलब एक्चुअली सिस्ट नहीं होते हैं, बट जो ओवरीज के अंदर, जो अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो वो सिस्टिक अपियरेंस आता है यूएसजी में। सो वी कॉल इट एज सिस्टिक ओवरी ओवेरियन सिंड्रोम, बिकॉज ये ओवरीज को तो इफेक्ट करता ही है, एंड सिंड्रोम बिकॉज इट इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा पूरी बॉडी में बहुत सारी चीजों में ये इफेक्ट लाता है ये चीज, इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस में अब एक्चुअली होता क्या है? ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का। ये बच्चादानी, दोनों साइड की ट्यूब, ये लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, ठीक है। एक नॉर्मल फीमेल जिसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब हर 28-30 डेज पे उनको पीरियड जाते हैं, उनमें क्या होता है कि 14th to 16th डे के बीच में एक ही फॉलिकल, ओनली वन एग, विल डेवलप टू मेच्योरिटी, और वो यहाँ से वो एग फूटता है, जिस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। वो एग फूटने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद 14 डेज के बाद पीरियड जाते हैं। पीसीओएस वाली वुमेन में एक से ज्यादा एग्स डेवलप होते हैं, मतलब छोटे छोटे एग्स डेवलप होते हैं जिनमें से एक भी फुल मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता, तो वो एग फूटता मतलब ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए जो प्रोसेस होता है दैट में अकर लेटर, मतलब 35 डेज, 60 डेज, या फिर होता ही नहीं है। तो बहुत लोगों को पीरियड्स या तो चढ़ के आते हैं, 1 महीना 2 महीना ऐसे चढ़ के आते हैं, या फिर दवाई लिए बिना आते ही नहीं। इस कंडीशन को हम पीसीओएस बोलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिस्टरबेंस है। इसमें जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, वो बॉडी में परसेंटेज वाइज फीमेल हार्मोन से ज्यादा आ जाते हैं। तो ये पूरी बॉडी की बहुत सी सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। ये जो इनके लक्षण होते हैं वो एक्चुअली एडोलेसेंट ईयर्स, मतलब टीनेज ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाते हैं, और जो अडल्ट हो जाते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है तो शादी के बाद पता चलते हैं। ये कोई भी फीमेल को अफेक्ट करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब कि जैसे जिस एज से हमें पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ उसको मेनार्की बोलते हैं, और जिस एज पे पीरियड्स आना खत्म हुआ उसको मेनोपॉज। तो मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक ये कोई भी फीमेल को अफेक्ट कर सकते हैं। अब मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि पीसीओएस सिर्फ मुझे है क्या, मैं एम आई अलोन? कितने लोगों को होता है? तो इट इज अ वेरी 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 कॉमन कंडीशन। स्पेशली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है विच इज वेरी सेडेंटरी, इसीलिए उसमें ऑलमोस्ट 1 in 5, मतलब अगर 5 फीमेल्स हैं तो उसमें से एक को पीसीओएस आज के लाइफस्टाइल की वजह से होता ही है। उसमें भी अगर आप मुझे पूछो कि जिनको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें से तो 5 में से 2 या 3 फीमेल्स को पीसीओएस होने के चांसेस है। दूसरी चीज, ये जो मैंने परसेंट बताया है वो बहुत ज्यादा लेट डिटेक्ट होते हैं ये, क्योंकि इसमें से सिर्फ, ऐसे मानो कि इतने फीमेल्स को पीसीओएस है, तो इसमें से सिर्फ 30% फीमेल्स ही ऐसी है जिनको ये कंडीशन के बारे में अवेयरनेस है, जो डॉक्टर के पास आती है, चेकअप्स कराती है, इसलिए उनको पीसीओएस डायग्नोज होता है। 70% फीमेल्स, दे आर लाइक कि उनको पता ही नहीं कि उनको पीसीओएस है। जब शादी के बाद उनको बच्चे लगने में दिक्कत होती है, या उनको डायबिटीज डिटेक्ट होता है एट अ अर्लियर ऑनसेट, विच कैन ऑल्सो बी अ इफेक्ट ड्यू टू पीसीओएस, तब उनको पता चलता है उनको पीसीओएस है। तो 70% केसेस आर अनडायग्नोस्ड। अब पीसीओएस क्यों होता है? पीसीओएस का रीजन मेन, जैसे मैंने बताया, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पहले के जमाने में जो लेडीज होती थी उनको कुएं से पानी भरने जाना पड़ता था, खुद टॉयलेट के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था, घर का पूरा काम करना, मतलब वो
पूरा दिन वो चलते रहते थे। आज की लाइफस्टाइल आपने देखी है, आज के बच्चे बस आईफोन है, लैपटॉप है, टीवी है, घर पे रहते हैं, मम्मी खाना भी बेड पे देती है, सब कुछ बेड पे होता है। तो जो एक बॉडी चलने के लिए बनी है, इट हैज बिकम वेरी सेडेंटरी, तो इट कॉजेज हॉर्मोनल डिस्टरबेंस एंड ओबेसिटी। ये एक विशियस साइकिल है, हॉर्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से मोटापा आता है, मोटापे की वजह से हॉर्मोनल डिस्टरबेंस होता है। तो जो मेन मूल कॉज है वो है बैड लाइफस्टाइल, बैड डाइटरी चॉइसेस। दूसरा जो कॉज है वो है जिनेटिक्स। जिनेटिक्स मतलब जिनकी, अगर आपकी मम्मी को, आपकी बहन को, आपकी मासी को पीसीओएस या इरेग्युलर पीरियड्स रहे हैं, तो आपको वो कंडीशन होने के चांसेस और भी ज्यादा है। तीसरी चीज है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी एक ये ऐसी मतलब अंदरूनी सूजन जिसको आप बोल सकते हैं, ये भी बॉडी में हॉर्मोनल इम्बैलेंस करा सकते हैं। बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिए। दूसरी चीज होती है कि बॉडी में जो हॉर्मोन्स बने, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो ज्यादा अधिक मात्रा में बनता है, उसके साथ साथ जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको यूज करने के लिए हमें एक इंसुलिन नाम का हॉर्मोन चाहिए। उस हार्मोन की भी गड़बड़ी हो जाती है, तो जो शुगर लेवल्स होते हैं पीसीओएस फीमेल में वो भी बढ़ जाते हैं। अब पीसीओएस के लक्षण क्या क्या है, जरूरी नहीं है कि मैं जो भी लक्षण अभी बोलने जा रही हूँ वो सारे ही लक्षण आपके में आए। किसी में कोई एक लक्षण आता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में सारे, और सबकी सीवियरिटी भी बहुत ही अलग होती है। मत सीवियरिटी एज इन के किसी में बहुत ही माइनर फॉर्म में ये लक्षण होते हैं, किसी में मेजर, तो अपन ने कंपेयर नहीं करना है। सबसे मोस्ट कॉमन इसमें जो लक्षण आता है वो है बॉडी पे अनचाहे बाल, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हिर्सुटिज्म बोलते हैं। कौन सी जगह पे ये बाल आते हैं, तो चिन पे, गाल पे, अपर लिप, चेस्ट, बैक, ऐसी जगह पे जहां पे जनरली फीमेल्स को बाल नहीं होते हैं, ऐसी साइट्स पे नॉर्मल से अधिक मात्रा में बाल होना, या फिर थिक ब्लैक हेयर जैसे मेल के होते हैं वो होना। दूसरी चीज है एक्ने, यानी कि मुहासे चेहरे पे, और गंजापन, स्पेशली टेम्पोरल साइड से, जो ये माथे की दोनों साइड है उस साइड से बाल का हेयर फॉल होना, ये भी वन ऑफ दी कॉमन सिम्टम्स है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज यूज करने में काम आता है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, तो उसकी अधिक मात्रा, तो जहां पे भी स्किन में फोल्ड्स पड़ते हैं, जैसे बैक ऑफ द नेक है, आर्मपिट है, ग्रोइन है, इनर थाइस जिसको हम बोलते हैं, उस जगह पे कालापन, जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है। इन सब में से मैंने जैसे पहले बताया, आपको एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। चौथा मेन लक्षण जिसके साथ फीमेल्स मेरे पास आती है वो है इनफर्टिलिटी या बच्चे होने में दिक्कत। ये क्यों होती है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें या तो पीरियड्स आते ही नहीं है बिना दवाई लिए, या चढ़ चढ़ के आते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ओवेरीज में सिस्ट है, सो दैट कैन कॉज दी प्रॉब्लम। तीसरा लक्षण इसमें जो मेन होता है वो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, स्पेशली क्योंकि ये टीनेज गर्ल्स में बहुत कॉमन है आजकल, तो उन जैसे जो भी लक्षण मैंने पहले बताए, जैसे अनचाहे बाल, एक्ने, इन सब की वजह से उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर मूड चेंजेस, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब भी इनके लक्षण हो सकते हैं। और जो मेन इश्यू जो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए पीसीओएस, क्यों, ये सब तो टीनेज इयर्स में आते हैं, बाकी ये हार्मोनल डिस्टरबेंस अगर लंबे टाइम तक रहे, हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं, तो इट कैन कॉज डायबिटीज विद एन अर्लियर ऑनसेट। जो चीज हमें 50 इयर्स के बाद होने वाली, हो सकता है वो अर्ली 30s या 40s में हो जाए। कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट की बीमारी है वो भी हो सकती है, और जो गर्भाशय का कैंसर होता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन थोड़े अमाउंट में ज्यादा रहता है, तो इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर, विच इज गर्भाशय का कैंसर। अब हमें पता कैसे चले कि हमें पीसीओएस है, तो जैसे बहुत सी यंग गर्ल्स मेरे पास आती है कि मैं उनको पूछती हूँ आपको क्या हुआ, तो बोले मैम मुझे तो पीसीओएस है। मैं बोला आपको कैसे पता चला पीसीओएस है, तो बोले हमने सोनोग्राफी कराई थी। क्यों कराई थी, तो बस पेट में थोड़ा सा दर्द था, पेशाब में जलन थी, हमने सोनोग्राफी कराई, उसमें आप देखो पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा हुआ है।
अगर सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज आता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पीसीओएस है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और लक्षण है, जितने भी हमने आगे बात की, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर अनचाहे बाल है, एक्नी है, या आपकी बॉडी की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है वो ज्यादा आ रखे हैं। इन शॉर्ट, वी हैव दीज थ्री क्राइटेरिया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन तीन क्राइटेरिया में से कोई भी अगर दो क्राइटेरिया है तब पीसीओएस बोलते हैं। कौन से क्राइटेरिया? फर्स्ट इज पीरियड्स का चढ़-चढ़ के आना या ना आना, दूसरा है बॉडी में एक्सेस एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन होना, जो अपन ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है या उसके लक्षण से भी, और तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सो एनी टू आउट ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया इफ यू आर हैविंग, देन हम बोल सकते हैं कि पीसीओएस है। सिर्फ सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखना इज नॉट पीसीओएस। हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? जब आप हमारे पास आएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? हम पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, अब फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, पीरियड्स के बारे में, और कोई सिम्टम्स तो नहीं है ये पूछते हैं। फिर हम आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर ये सब लेते हैं, जो एक्सेस हेयर ग्रोथ है उसको चेक करते हैं। साथ में अगर पेल्विक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होती है या फिर मैरिड फीमेल्स आती है, तो हम एक बार ही उनकी पेल्विक एग्जामिनेशन, जो लोकल गाइनेक एग्जामिनेशन होती है, वो भी करते हैं। क्या क्या टेस्ट करवाते हैं? जो टेस्ट हम करवाते हैं वो है, एक तो हार्मोनल लेवल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एज आई सेड बढ़ जाता है, तो एक वो चेक करते हैं। FSH LH करके दो हार्मोन्स होते हैं जो हम पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे पे चेक करते हैं। इसके साथ साथ इसमें थायराइड और प्रोलैक्टिन की गड़बड़ भी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स में, सो वी चेक फॉर दैट ऑल्सो, थायराइड एंड प्रोलैक्टिन। पीसीओएस में बहुत लोगों के लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये बढ़ जाते हैं, तो वी ऑल्सो चेक फॉर द लिपिड प्रोफाइल। एंड स्पेशली जो इंसुलिन लेवल्स है जो बढ़ जाते हैं, तो वी ऑल्सो चेक फॉर ब्लड शुगर लेवल्स। इन ये सारी टेस्ट होना जरूरी नहीं है। जब आप आते हो, जैसे मैंने बोला, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, तो कौन से पेशेंट में कौन सी टेस्ट करानी है वो डॉक्टर या गाइनेकोलॉजिस्ट खुद डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से होती है। पूरा का पूरा पीसीओडी प्रोफाइल करवाना इज नॉट नेसेसरी। देन दी अल्टीमेट इज यूएसजी। यूएसजी में हमें जैसे ओवेरियन सिस्ट है वो दिख सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, जो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पीसीओएस एक ऐसी चीज है जिसकी ट्रीटमेंट मेरे से ज्यादा आपके खुद के पास है, क्योंकि एज आई सेड इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो 70% ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। क्या करना है लाइफस्टाइल में चेंजेस? फर्स्ट इज डाइट। डाइट आपका मेन कॉर्नरस्टोन है। इसमें आपको डाइट के बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगी, बट मेन थिंग इज आपको हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट लेना है। फिर है एक्सरसाइज। कितनी एक्सरसाइज? तो 45 to 60 मिनट्स एक दिन में, और ऐसा 7 डेज जो वीक के होते हैं उसमें से एटलीस्ट फॉर 5 डेज अ वीक यू हैव टू डू एक्सरसाइज। ये एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो भी कम करता है, वेट लॉस भी कराता है। जो वेट लॉस है, अगर सपोज आपका 100 kgs वेट है या 80 kgs वेट है, तो सिर्फ 5% जितना आप वेट लॉस, मतलब 4-5 kgs भी अगर आप लूज कर लेंगे, तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। अगर बच्चे होने में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जो एक्सरसाइज है वो जरूरी नहीं कि हम जिम जाके ही करें। यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक, 15 से 20 मिनट वॉक कर लो, 15 से 20 मिनट योगा कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप डांसिंग एंजॉय करते हो, साइकिलिंग एंजॉय करते हो, स्किपिंग एंजॉय करते हो, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। देन इफ यू आर टेकिंग स्मोकिंग या अल्कोहल, ऐसे कोई आपकी आदत है, तो आपको वो भी कम्प्लीटली बंद करनी होगी। स्लीप, स्लीप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। और ये स्लीप ऐसे नहीं कि आप रात को 4 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो, नो। जो रात की स्लीप होती है, स्पेशली आफ्टर 12 AM, ये क्यों नेसेसरी है? जब भी सनसेट होता है उसके बाद इफ यू स्लीप, मतलब वो टाइम पे, तो बॉडी में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्मोनल मिल्यू। आपकी जो बॉडी में हार्मोन का बैलेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्लीपिंग एट नाइट टाइम मैक्सिमम बाई 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट।
जो भी इसके लक्षण है उसकी वजह से एक एनजाइटी डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विथ पीसीओएस. तो इस कंडीशन में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट विथ योगा और विथ काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में. डाइट जैसे मैंने बोला, यू हैव टू कट डाउन कैलोरीज. जो रात का डिनर की कैलोरीज है हमें वो कम करनी है ना. क्यों, जैसे दिन की आप सिर्फ जितना भी खाना खाते हो वो 500 कैलोरीज भी अगर हमने सब्ट्रैक्ट करी है उसमें से, तो इट हैज शोन अ वेरी गुड रिजल्ट विद पीसीओएस पेशेंट्स. और जैसे पूरे दिन में अगर आप 3 हैवी मील्स ले रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसको पोर्शन उसका कम करके हमने एवरी 2 to 3 आवरली स्मॉल स्मॉल मील्स लेनी है. एक हाई प्रोटीन डाइट लेना है विथ लो कार्ब्स, विथ हाई विटामिन्स, हाई फाइबर और हाई मिनरल्स डाइट. कोई भी फैट डाइट्स जो आजकल आए हैं, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारे नहीं करने हैं. क्यों नहीं करने? एक तो दे मे कॉज फर्दर हार्मोनल डिस्टरबेंस. जो ऑलरेडी बॉडी में गड़बड़ चल रही है उसको ये फैट डाइट्स दैट मे इंक्रीज. ऑल्सो ये सस्टेनेबल नहीं है. मतलब ये ऐसा कोई ऐसे डाइट्स ऐसे हैं कि जो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते आपके साथ. तो आप ऐसा ही डाइट करें जो आप पूरी लाइफ तक फॉलो कर सके. क्योंकि एक बार ही अगर आपने वो डाइट्स छोड़े और वेट गेन वापस हुआ तो पीसीओएस विल कम. डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि पीसीओएस मुझे है मैम, तो क्या मैं पनीर, दही, ये सब चीज वगैरह ले सकती हूँ या नहीं? डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, बट जिनको इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस है उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं. और अगर आप ले भी रहे हो तो स्मॉल पोर्शन में इट इज ओके. फिर जो कार्ब्स हम खाते हैं खाने में, वो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स क्या होते हैं कि जैसे हमने बनाना खाया, तो बनाना एक इंस्टेंट एनर्जी देता है हमको, तो दैट इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो ऐसी चीजें हमने ज्यादा नहीं खानी. हमने ऐसी चीजें खानी है जो स्लोली ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करेगी. और ऐसी चीजें अगर हम खाते हैं तो वो क्रेविंग्स जो हमें आती है, स्पेशली शुगर की क्रेविंग्स आती है, केक खाने का मन हो रहा है, पिज्जा खाने का मन हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं होती. तो एग्जाम्पल क्या है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले? जैसे वेजिटेबल्स है, होल फ्रूट्स है, ओट्स है, ये सारी चीजें हमने लेनी है. क्या नहीं लेना? चिप्स, बिस्किट्स, केक, आइसक्रीम, जो चीजें जंक फूड, स्पेशली आज के लाइफस्टाइल में जो सब खा रहे, स्विगी, जोमेटो, नो स्विगी, नो जोमेटो, नथिंग. घर का होम कुक्ड खाना खाना है. तो मेन टिप्स क्या है? हमने बिगर ब्रेकफास्ट लेना है, स्मॉल डिनर लेना है, ज्यादा प्रोटीन इंक्लूड करना है और ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं. जो भी हम कार्ब्स खा रहे हैं उसको हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स के रूप में लेना है. ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप. इट इज अ एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. बेटर है कि आप डाइटिशियन को कंसल्ट करें, बट जो मेन टिप्स मैंने दी थी उसके साथ फॉलो करके आप ये डाइट चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं. फिर विटामिन्स, तो कौन से विटामिन्स हमें लेने हैं? विटामिन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल करते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं. क्या क्या सोर्सेज हैं? होल ग्रेन्स जो हम खाते हैं, दूध, अंडा, दालें, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये फिर विटामिन डी, अगेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन. ये विटामिन ऐसा है जो स्पेशली बच्चे करने कंसीव करने की ट्राई करें, प्रेग्नेंट होने की ट्राई करें, उनके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो एग एग की क्वालिटी होती है पीसीओएस के पेशेंट्स में वो भी थोड़ी पुअर होती है, तो सफिशियंट इनटेक ऑफ विटामिन डी विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी जो होती है ओसाइड्स की वो भी. सोर्सेज अगेन मशरूम है, एग्स है. 10 से 15 मिनट आप सुबह सनलाइट में भी अपने आप को सोक कर सकते हैं. पालक है, ये सारे सोर्सेज. देन अगेन जिंक और मैग्नीशियम, ये दोनों एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस पेशेंट्स, स्पेशली जिनको एक्ने है या जिनका वेट ज्यादा है. इनके लिए तो इनके सोर्सेज हैं डार्क चॉकलेट, मशरूम्स, सनफ्लावर सीड्स, छोले, ये सब. अभी क्या क्या मेडिसिन्स लेनी है आपने, तो ये दिस विल डिपेंड कि आप कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे पास आते हैं. क्या आप एक टीनेज है,
क्या आप शादीशुदा है बट आपको बच्चे अभी नहीं करने हैं, या फिर आपको बच्चे करने हैं, तो आप कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे पास आएंगे उस हिसाब से हम आपको मेडिसिन देंगे। बर्थ कंट्रोल पिल्स या जो हार्मोनल पिल्स होती है हम वो देते हैं जिनको अभी कंसीव नहीं करना है उनके लिए होती है। ये जो पिल्स होती है ये एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर करते हैं, उसके साथ साथ जो मेल हॉर्मोन्स है वो भी कम करती है। जो सिप्रोटेरेनॉन वाली जो टैबलेट्स होती है स्पेशली वो जो वो एक्ने मतलब मुहासे और जो अनचाहे बाल होते हैं उनको कम करने में काम आती है। जो एक मेन टैबलेट है जो कि मतलब हम मोस्टली 80% पीसीओएस के पेशेंट्स में यूज करते हैं वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, हार्मोन बैलेंस भी लाती है, इंसुलिन कम करके कोलेस्ट्रॉल में कम करने में भी हेल्प कर सकती है और वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती है। तो ये ओव्यूलेशन जो प्रोसेस नहीं होता है पीसीओएस के पेशेंट्स में उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। इसका डोज और कब लेनी है वो आप डॉक्टर से मिलके फिर डिसाइड करें। दूसरी टैबलेट जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल पाई गई है वो है आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल एक ऐसा सोर्स है जो ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस और नट्स लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स में मिलता है। ये भी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ाता है, ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन इन पेशेंट्स में अच्छे से नहीं होता है उसको कम करता है, और जो अंडों की जो क्वालिटी होती है उसको बेटर करता है। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें वेट गेन वगैरह तो सब ठीक है, हमें बच्चे होने में दिक्कत हो रही है और हमको पता चलता है कुछ टेस्ट के थ्रू कि उनमें जो अंडा बनना चाहिए वो ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या हम सीधा IVF पे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन थेरेपीज। हम उनको ऐसी दवाइयां जो बॉडी में ओव्यूलेशन इंड्यूस करेंगी, जो अंडे बनने में हेल्प करेंगी, ऐसी हम ओरल टैबलेट्स देते हैं, जैसे लेट्रोजोल है, क्लोमिफेन सिट्रेट है। इनको हम फिर सोनोग्राफी के थ्रू मॉनिटर करते हैं। अगर ये चीजें काम नहीं करती तो हम फिर दो तीन ड्रग्स का हम कॉम्बिनेशन देते हैं, ओरल टैबलेट्स की जगह हम इंजेक्शन देते हैं, या फिर हम लैप्रोस्कोपी पे रिलाय करते हैं। अगर ये चीज भी काम नहीं करती देन दी लास्ट रिसोर्ट इज इधर IUI, IVF या जो भी। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है PCOS पेशेंट्स में। इसमें स्पेशली अगर आपको PCOS है तो आपको साल में एक बार तो गाइनी विजिट लेना ही चाहिए, है ना। BP, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, होमोसिस्टिन लेवल्स, क्योंकि आगे जाके इन मरीजों को डायबिटीज की, गर्भाशय के कैंसर की और हार्ट की बीमारी की रिस्क रहती है, इसीलिए। सो द ट्रीटमेंट, जो मेन बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक कोई कंप्लीट क्योर नहीं है PCOS के लिए। PCOS एक बॉडी की टेंडेंसी होती है, तो अगर आपका वेट गेन हुआ, मतलब एक बार ही आपने वेट लॉस कर लिया, आपका PCOS ठीक हो गया विथ मेडिसिन, तो जरूरी नहीं वो वापस नहीं आएगा। वंस योर लाइफ स्टाइल इज बैड, अगेन आपने वेट गेन किया, इट विल कम बैक। सो मेडिसिन जो भी दे रहे हैं वो हम सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करने के देते हैं। So there is no final cure, but despite that, it can be well managed. जो young girls अभी ये webinar देख रहे हैं, उनको specially मैं ये message देना चाहती हूँ कि you अभी से ही आप एक healthy lifestyle avoid करें। जो आपको locally available vegetables है, fruits है, dairy products है, वो एक appropriate amount में ले। जंक फूड लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सब अवॉइड करना है। और एक फिजिकल एक्टिविटी में बॉडी, अपनी बॉडी को दिन का 1 घंटा जरूर दीजिए, लाइक साइकिलिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो भी। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगी जो नॉर्मली मेरे पास पेशेंट्स लेके आते हैं। PCOS और गर्भधारणा मतलब प्रेग्नेंट होना क्या प्रॉब्लम्स? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस के इसमें ओव्यूलेशन की मेन दिक्कत होती है। तो जब भी एक पेशेंट को PCOS डायग्नोस होता है, सो वी टेक टू मच स्ट्रेस। एक तो वो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो एक अच्छे से मैनेज हो सकता है। हमें इससे ऑफकोर्स लाइटली नहीं लेना है, बट स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अब मुश्किल क्यों है? एक तो ओव्यूलेशन जो होता है वो या लेट होता है या होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक फर्टाइल पीरियड नहीं है।
फर्टाइल पीरियड मतलब जब एक मेल और फीमेल को साथ में रिलेशन रखने चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है, तो वो चीज हमें पता नहीं चल सकती। फिर जो अंडा बनता भी है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है पीसीओएस के पेशेंट्स में, एक वो प्रॉब्लम रहती है। फिर दूसरी चीज जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है एक नॉर्मल फीमेल के बॉडी में, वो इसमें एब्सेंट रहते हैं, इसलिए साइकिल्स बहुत इरेग्युलर रहती है। और जो लास्ट प्रॉब्लम आती है वो ओबेसिटी या मोटापे की वजह से आती है। अगर आप कैसे जानेंगे आपको पीसीओएस है, तो आप ओव्यूलेट या जो अंडा फूटने की प्रक्रिया होती है वो आपकी बॉडी में हो रही है या नहीं, तो इसके तीन प्रोसेस से आप जान सकते हैं। एक ओव्यूलेशन किट, जैसे प्रेगनेंसी किट आती है ऐसे ही एक ओव्यूलेशन किट्स जो LH हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है उसमें सेम होता है, जो कंट्रोल लाइन होती है और एक टेस्ट लाइन आती है। अगर दो लाइन है तो वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगर एक ही लाइन आई तो मतलब नहीं हो रहा। ये किट्स कौन से दिन पे यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, ये हमें सोनोग्राफिकली आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू पता चलता है, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है। दूसरी चीज है सोनोग्राफी, उसमें हम देख सकते हैं कि डे वन से लेके डे 14-15 तक के कैसे अंडे बढ़ रहे हैं, उनकी साइज कैसे बढ़ रही है, क्या है और कौन से टाइम पे मेल और फीमेल में इंटरकोर्स रहना चाहिए। फिर तीसरा है ब्लड टेस्ट, जिस दिन पीरियड आता है उसके 7 डेज पहले हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम प्रोजेस्टेरोन मेजर करते हैं। अगर वो एक वैल्यू से ज्यादा है मतलब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। अगर इन टेस्ट से आपको क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में अंडा नहीं बन रहा है, तो अब आगे क्या करें? तो जो भी ओव्यूलेशन इंड्यूस करने की दवाइयां होती है, जो ओरल टैबलेट्स भी होती है और इंजेक्शंस होते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो भी एक बार ही आपके ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या डोज में लेना है और कैसे लेना है। जनरली ये एक टैबलेट होती है जो हम पीरियड्स के दूसरे दिन पे स्टार्ट करते हैं और 5 दिन के लिए लेते हैं। अगर ये ओरल टैबलेट्स के साथ भी अंडा स्टिल इट इज ओव्यूलेशन इज नॉट हैपनिंग या अंडा अभी भी नहीं बन रहा, तो 70-80% केसेस में तो ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो इंजेक्शंस भी है, अगर वो भी जैसे 5-6 दिन इंजेक्शन देख के ये स्टिल नॉट हैपनिंग, तो हम वही इंजेक्शन लो डोज में देते हैं 14-21 डेज के लिए। उससे भी अगर नहीं हो, देन वी गो फॉर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें हम ओवरी में 4 होल्स बनाते हैं। और लास्ट, उससे भी नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन इज आईवी। क्या पीसीओएस वाली सभी महिलाओं को आईवीएफ की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। हम सिंपल ट्रीटमेंट्स जैसे ओरल टैबलेट्स है, इंजेक्शंस है, वो देते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है वो हम पेशेंट को 5-6 महीने तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये 5-6 महीने में भी ये दवाइयां काम नहीं करती, फिर हम इंजेक्शंस पे जाते हैं। इंजेक्शंस नहीं काम करते, फिर हम सोचते हैं IUI IUF के बारे में। पर हाँ, अगर तो पेशेंट हमारे पास आया, PCOS के साथ साथ हम बाकी चीजें फैक्टर्स चेक करते हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में चाहिए, जैसे दोनों ट्यूब खुली हुई हो, कोई मेल फैक्टर तो नहीं है, स्पर्म सीमेन एनालिसिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर हमें बाकी फैक्टर्स भी PCOS के साथ साथ नजर आते हैं, तो हम उनको IVF का पहला ऑप्शन देते हैं। किन महिलाओं में IVF की आवश्यकता होती है? जिनमें IUI या जो ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए हमने दवाइयां दी, वो 5-6 साइकिल हमने वेट किया, वो नहीं हो रहा है, या फिर हमने टैबलेट्स या इंजेक्शन सब ट्राई कर लिया, उससे एग बन ही नहीं रहा, या फिर बहुत ही लो डोज देने से भी बहुत सारे एग्स बन रहे हैं, या उनको मैंने जैसे बताया पहले, बाकी अदर फैक्टर्स भी है, ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, या सीमेन में कुछ गड़बड़ आ रही है, या एंडोमेट्रोसिस है, ऐसे पेशेंट्स में IVF इज द फर्स्ट स्टेप। जो मेन टेक अवे है इस चीज से कि जो अगर फीमेल जो आ रही है हमारे पास, उनकी एज यंग है, इट इज लेस देन से 32-30 है ना, और इन इन पेशेंट्स की रेट IVF के साथ जो सक्सेस रेट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर PCOS वाली महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या वो प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से कैरी कर सकती है? अगर तो वो उनका वेट ज्यादा नहीं है, उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल है, उनके कोई थायराइड प्रोलैक्टिन ऐसी कोई अदर हार्मोन डिस्टरबेंस नहीं है बॉडी में,
तो एक पीसीओएस वाली वुमेन नॉन पीसीओएस वुमेन जैसे ही प्रेगनेंसी कैरी करती है, पर अगर उनका वेट बहुत ज्यादा है या उनका एचबीए1सी जो हम कराते हैं, जो शुगर लेवल्स दिखाते हैं लास्ट 3 मंथ्स का, वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अबॉर्शन के रेट्स पीसीओएस वुमेन में थोड़े से ज्यादा रहते हैं। सो द टेक होम मैसेज इज के पीसीओएस एक पूरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन है, विच रिक्वायर्स कंट्रोल रादर देन क्योर। इसमें बहुत लोगों ने ये बैटल जीती है। वी नो वेल नोन सेलिब्रिटीज लाइक करीना कपूर, सारा अली खान एंड सोनम कपूर। सो आप भी ये जीत सकते हो। सो बॉटम लाइन इज यू शुड गेट चेक्ड फॉर पीसीओएस अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो और अभी तक हो नहीं पाया है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं पीसीओएस के अलावा भी, पर जैसे हमें पता है अब कि इसके जनरल हेल्थ पे भी एट अ लॉन्ग टर्म बहुत इश्यूज रहते हैं, जैसे एंडोमेट्रियल या गर्भाशय का कैंसर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज। सो इट इज बेटर टू गेट चेक। थैंक यू।